मुझे चिंता आज इस बात की है कि श्री जयराम ठाकुर जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर श्री कौल सिंह ठाकुर जी बार बार उनको खर्च क्षेत्र में उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से पहले ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जो 70 साल के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारी जो पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन खेद इस बात का है कि श्री कौल सिंह जी जो आज अपने आप को सबसे वरिष्ठ मानते हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहेंगे, लेकिन उनको ये बात शोभा नहीं देती कि श्री जयराम ठाकुर पे वो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो भी विकास हो रहा है वो सराज विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और मैं दावे से कहना चाहता हूँ उनको, यदि दरंग विधानसभा क्षेत्र की यदि 4 साल की वो बात करें, वो किसी भी मंच पे आकर हम उनको 4 वर्ष के कार्यकाल में जो दरंग विधानसभा क्षेत्र में हुआ उसके बारे में मैं उनको समक्ष एक मंच लगाकर उनको बता दें कि हमने दरंग विधानसभा क्षेत्र में क्या किया है। और ये बात में मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और मंडी ज़िला में यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, हम प्रदेश में देश में सबसे नंबर एक पे दरंग विधानसभा क्षेत्र है। चाहे हमारा नवाज की सड़कें हैं बहुत सारी, 308 करोड़ रुपए हम सड़कों पे खर्च कर रहे हैं और 192 करोड़ रुपए हम जो है वो पीने के पानी पे सिंचाई योजना पे हम खर्च कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विकास के मामले में हम किसी से भी पीछे नहीं हैं दरंग विधानसभा क्षेत्र के लोग। और एक बात की चिंता इसलिए हम करना चाहते हैं कि कौल सिंह जी आप हमको सुझाव देते हैं और ताकि हम उन सुझावों को आगे बढ़ाकर, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं बार बार कहते हैं कि मेरी जो भी प्राथमिकता है उन पे आज काम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आपकी प्राथमिकता हमने 2005 से लेकर 2007 से लेकर जो प्राथमिकता थी, चाहे वो पिजौंडी नाला की स्कीम थी, चाहे हमारा ज्वालापुर पराशर की बात थी, चाहे हमारा कटासनी रोड की बात थी, उन चीज़ों को आपकी प्राथमिकता में कुछ नहीं थी, उनको भी हमने आज पूरा करके आज लोगों को समर्पित हमने किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।